हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दिन के बजने वाले हैं एक बजने वाला है, 10 मिनट बचे हैं एक बजने में। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 1 बजे से, और आज मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। राशन, घर का राशन जो है मैंने परसों वरसों थैला वैला तैयार कर लिया है, राशन लेके आते हैं। और क्योंकि वहाँ ना बहुत भीड़ होती है तो गाड़ी लेके नहीं जाएंगे। बहुत आजकल दिवाली फेस्टिवल की वजह से हर दुकान में, हर मार्केट में बहुत भीड़ है, इस वजह से हम लोग रिक्शा करके आएंगे, और अभी रिक्शे से ही जाएंगे। मैं और सुनीता तो और भी कुछ लाएगी दिवाली का, हमारी दिवाली है नहीं क्योंकि मेरी सास की डेथ हुई है, तो हमारी दिवाली है नहीं। तो मैं तो राशन पानी लाऊंगी, मसाला तेल चावल चीनी जो भी होता है घर की चीज़ें, और सुनीता और चीज़ भी लाएगी। तो हम दोनों जा रहे हैं राशन लेने के लिए, अपनी लोकल मार्केट ही है, न्यू कोंडी जा रहे हैं हम लोग। कितनी सारी दुकानें सजी हुई है यहाँ देखो, पटरी में ही बैठ गए, दुकान छोड़ के पटरी में बैठ गए। मैंने कहा इतनी लंबी दुकान लग गई, चलो आओ। एक धूप बत्ती का पैकेट दे दो, जो पूरा होता है ना 12 वाला, वो दे दो मुझे। तो हम आ गए हैं अंदर सामान लेने के लिए, राशन पानी सब कुछ मिल जाता है यहाँ, A to Z चीज़ें सब कुछ मिलता है, चावल वगैरह सब कुछ। चावल के बहुत सारे कट्टे होते हैं, जो मर्जी पसंद कर लो यहाँ पर चावल के कट्टे। सुनीता का अभी हिसाब हुआ नहीं, सुनीता काउंटर पर कर रही है हिसाब किताब। ये रही सुनीता, मैं तो आ गई हूँ करके कोल्ली बाजार। हाँ हो गया, हाँ चलो अब दूसरी दुकान, एक दुकान का तो हो गया, दूसरी दुकान में चलते हैं। हमने सुनीता ने लेने हैं गिफ्ट, मैं जाऊंगी सुनीता के साथ में दिवाली गिफ्ट। सामान लेके मैं आ गई हूँ, ये है मेरा सामान, और ये राशन वासन सब ले आई हूँ। अब जाना है मुझे वोटर आई कार्ड के लिए, जो कि वोटर आई कार्ड बनाने के लिए कल मैं बना नहीं पाई थी, गई थी लेकिन कल हो नहीं पाया काम। तो अब जाती हूँ मैं फटाफट से, अभी 2:30 बज गया, 2:20 हो गए, तो फटाफट जाती हूँ। उसने 2 बजे बुलाया था मुझे अब वोटर आई कार्ड वाले ने, तो देखती हूँ आज भी काम होता है कि नहीं होता, फटाफट भागती हूँ। कल भी मैं वापस आई, आज भी वापस आ गई हूँ अपने डॉक्यूमेंट लेके। एक चीज़ और चाहिए बोला है, अब घर आ रही हूँ लेने के लिए, स्कूटी भी थी नहीं मेरे पास, आज पैदल पैदल आ रही हूँ, और 5 बजे तक हो जाएगा काम, कह रहे थे बैठा हुआ हूँ, तो अभी तो 2:30 बज रहा, 2:45 हो रहे हैं। फटाफट से घर से ले आती हूँ, जो पेपर कम पड़ गया है डॉक्यूमेंट, तो लेके आके फ़ोटो स्टेट करा के फिर पेपर इसमें लगा के तब जाके मेरा अगर हो जाएगा फिर बताऊँगी कि मैंने वोटर आई कार्ड अप्लाई कर दिया है आपको। फटाफट पहुँचती हूँ घर, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे सोसाइटी के बाहर ही है। फाइनली मेरा काम हो चुका है, यह स्कूल जहाँ मैं आई थी भरने के लिए, रियान इंटरनेशनल पे काम हो चुका है, मैंने वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जाती हूँ घर, आज बहुत दिन के बाद में जा रही हूँ बबीता के घर में, क्योंकि बहुत दिन हो गए बबीता से नहीं मिल पाई, बहुत भगदौड़ वाली ज़िंदगी आजकल चल रही है यहाँ वहाँ काम के चक्कर में, तो सोच रही हूँ बबीता से मिल लेती हूँ आज थोड़ी देर, जाती हूँ उनके अंदर क्या कर रहे हैं। ये है हमारी मानसी बेबी, हाची हाची करो करो जल्दी करो, हाची करो, वीडियो बना रही मैं, जल्दी करो नानी देखेगी मेरे, हाची हाची करो, हाची 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 करो, अरे कर दो यार, अरे कर दो यार, देखो बिल्कुल नहीं हंस रही है, हाची हाची कर दो यार, नानी देखेगी नानी। उसका मन हंसने को हो रहा है लेकिन हंस नहीं रही है। क्या आप भैया इतनी गंभीर हो गए इस टाइम अभी तो बोलते बिल्कुल नहीं हंसी, अभी तो हंस रही थी देखना, ये हंस गई हंस गई हंस गई हंस गई हंस गई हंस गई बाबू हंस गई हंस गई हंसी गई। ये कितने मजे आ रहे हैं बच्चे के, टन शोर है कि ऐसे मेरे को भी आते मजे, अच्छे मेरे को भी आते, अच्छे मुझे मेरे को भी आते हैं, हाँ जो क्या तुम बहुत दिन बाद आए हो ना, इसलिए हाँ यार मेरे पर टाइम ही नहीं है आजकल, मैं यही तो बोल के मैं कह रही हूँ मैं बबीता के घर बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, मेरे पर टाइम ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्या हुआ बेटा? अच्छा अच्छा रुको, और आ गई है दूसरी बेबी भी आ गई है बाहर से, ये आ गई सोना। सोना कहाँ से आ रही हो? कहाँ? अच्छा सोना के पापा कर रहे हैं काम, और सोना और सोना के पापा काम कर रहे हैं बाहर है। ये मानसी तो हंस नहीं रही बिल्कुल नहीं। अब सोना ने नया नाम रखा, सोना क्या रखा है?
मित्रा हाँ, तब मैंने कल बोला अब नहीं है इसमें इनका नाम बिल्कुल नहीं, मित्रा ठीक है, चित्रा और मित्रा ये मित्रा नाम है इनका, इन बेबी का नाम रख दिया मित्रा, इनकी नामकरण हो गए तीन, आंसी, मनिका और अब रख दिया मित्रा, मित्रा नाम अच्छा है, मित्रा नाम अच्छा है, चोना चोना बेबी का है ना, आ आ हच गया 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 ये गुलरू हच गया हच गया हच गया हच गया, नानी को भेजूंगी हाँ वीडियो। हाँ सारे काम निपटाने के बाद ऊपर से भी आ गई हूँ मैं बच्ची से मिलके, आपको दिखाया था मैंने बच्ची को, अब बना रही हूँ अपने चाय, चाय भी मेरी उबल चुकी है, चाय पी लेते हैं पहले, और चाय पीने के बाद फिर करती हूँ इस राशन पानी की अनबॉक्सिंग, वो भी आपको दिखाई जाएगी। अब होती है मेरे सामान की राशन पानी की अनबॉक्सिंग, ये देखो कोंडली बाजार, यहाँ लिखा है ना कोंडली बाजार, ये थैला जो है ना कोंडली बाजार का ही है, आप सोच रहे हैं कैसा थैला लेके जाती है, तो ये कोंडली बाजार का थैला है, क्योंकि यही थैला वहाँ अलाउड है उसके अंदर, आपने देखा होगा जब मैं ट्रॉली लेके जब गई थी, मैं दिखाया था वहाँ पे ट्रॉली, दिखाई पता नहीं, फिर मतलब वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है वो, राशन पानी का और कॉस्मेटिक का सब चीज़ का है। और ये मैं तेल ले आई हूँ बैल कोलू का, और ये लाई हूँ मंदिर के लिए, एक लीटर अलग से मंदिर के लिए आता है, ये है मैच बॉक्स माचिस बॉक्स, और ये फ्रूटी, तो ये एक फ्रूटी भी ले आई मैंने, चलो और अभी हर दूँ आपको, ये है मैगी, ये है राजधानी का पोहा, और ये है बाय वन गेट वन फ्री का लाइज़ोल, ये बहुत अच्छा होता है, इससे घर में साफ सुथरा रहता है ना, ये बाय वन गेट वन में ले आती हूँ, तो और ये है काले चने और नमक, हल्दी वाला खाते हैं हम नमक, ये भी महंगा आता है नमक, 45 रुपये का एक किलो है, दाल और ये है आटा आशीर्वाद वाला, आजकल आशीर्वाद खा रहे हैं हम लोग, आजकल हम लोग वो नहीं खा रहे पीसने वाला, एमपी का खाते थे कुछ दिन से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह का होना चाहिए, हर तरह का चीज़ खाना खाना चाहिए हम लोग, हर चीज़ की चीज़ें खानी चाहिए, हाँ वही है, और ये रहा बीच बीच में और भी काम हो जाते फिर, ये रहा दे दो, तो फिर ये मैं इप्पी जो मैगी है ना मुझे बहुत पसंद आती है, इप्पी मैगी मैं अपने लिए लेके आई हूँ, मुझे क्योंकि पसंद आती है इप्पी मैगी, ओके वो दिख रहे हैं वहाँ से मोबाइल चला रही है, इप्पी मैगी मुझे बहुत पसंद आती है, और किसी और मेरी लाई हूँ बॉम्बे रोटी जो है मैक्रोनी भी लाई हूँ, अरे बड़ा पैकेट था मैगी का कहाँ गया, अरे रखा नहीं कैसा अच्छा इसमें कहाँ है, अच्छा ये रखा बड़ा पैकेट मैगी का, रेस्टोरेंट लाती हूँ, पहले मैं लाती थी पतंजलि का दंत कांति, अब मैं पतंजलि लाने लगी हूँ रेस्टोरेंट, क्योंकि उसमें भी कुछ खास सा मज़ा सा नहीं आ रहा था, और ये है डिटॉल का साबुन किचन किंग, MDH का किचन किंग, MDH का चिकन मसाला, तो ये भी है बात कर देती हूँ, बूंदी, ये है सर्फ एक्सल का टॉप लोड, हमारी मशीन जो है टॉप लोड वाली है, तो टॉप लोड, ये गरम मसाला इतना महंगा है ना देखो, ये पतंजलि के दो बर्तन मांजने के लाई हूँ, विम बार लाई, और ये देखो इतना सा गरम मसाला है, ये पता नहीं 150 रुपये का कितने का है, ये खड़ा मसाला गरम मसाला 150 रुपये का, इतना सा पैकेट 100 ग्राम 150 ग्राम कितना है, हैं ये है कंपनी चकदे, क्या मतलब हुआ, साफ नहीं तो पैसे वापस, इसमें लिखा है अगर ये साफ नहीं है तो पैसे वापस, साफ लिखा है साफ, स्वाद नहीं, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं स्वाद नहीं है तो, स्वाद नहीं है साफ नहीं है तो, हिंदी में लिखा है देखो साफ नहीं है तो पैसे वापस, अगर इसके अंदर कूड़ा करकट है साफ नहीं है तो पैसे वापस, ये लिखा है मुझे बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं, और ये लाई हूँ पोछा लगाने के लिए बाल्टी में डालने के लिए फेना, और ये लाई हूँ ये कपड़े डिटर्जेंट कपड़े धोने के लिए, कपड़े तो हाथ से कम धुलते हैं जो अंदर गारमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत होते हैं उनके, ये पोछा इससे अच्छा लगता है बाल्टी में डाल दो थोड़ी सी, इसके साथ लाइज़ोल के साथ तो थोड़ी अच्छा लगता है, सफाई सुथरी इस बार बहुत होगी तो इसलिए काम आ जाएगा, तो मेरी हो गई है अनबॉक्सिंग, अब मैं इसको फटाफट से लगा देती हूँ, सामान को लगा देती हूँ, इतना सा सामान है और इतना महंगा आया है, और शाम के बज गए हैं 5 बज गए हैं, और 110 रुपये किलो का नमक पहली बार देखा मैंने आज, ये 110 रुपये किलो का नमक है, मेरे बेटा लाया है अपने लिए, वो ये नमक खाता है, तो मैंने पहली बार देखा 110 रुपये का नमक, 45 रुपये का किलो तो हम भी खाते हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात है,
और मार्केट जाना है, शॉपिंग करनी है। और वानिया का बर्थडे आ रहा है, जो कि हमारी नातिन है, वानिया की बर्थडे आ रहा 8 तारीख को, उसके लिए शॉपिंग करनी है, हमें मार्केट जाना है। हम दोनों जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, अभी जाते हैं, बोलती हूँ इनसे और क्या क्या लाते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी फिर मैं। तो सारा सामान मैंने कर दिया है, सब पैकिंग कर दिया है, मतलब रख दिया है, डब्बों में पैक कर दिया है, और सिर्फ रह गया है आटा। आटा का ड्रम शाम को खाली करूंगी, जब आटा गूंदने के निकालूंगी तब उस टाइम मैं आटा पलटूंगी ड्रम में। इस बार चावल लाई क्योंकि बहुत सारे चावल थे घर में, चावल मैं पिछली बार एक्स्ट्रा ले आई थी। सांस भी फूल रहा, देखो फटाफट सामान रखा, साबुन जहाँ रखते हैं वहाँ रखा, सब कुछ सेटिंग करने के चक्कर में मैं मतलब थकान तो हो ही जाती है, सांस भी फूल रही। और हस्बैंड गए मेरे ऊपर टंकी देखने के लिए, हमारी टंकी शायद लीक कर रही है, उसको देखने के लिए गए कि क्या है क्या नहीं है कैसा है। तो फिर हम जाते हैं मार्केट दोनों जने। तो गाइज हम निकल रहे हैं बाजार के लिए, आज हम करके आएंगे शॉपिंग, पता नहीं क्या क्या करेंगे वो आपको घर में आके दिखाएंगे हम लोग। रात हो गई है, अंधेरा हो गया, लाइट जल गई है। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है पूरी, शॉपिंग में आती है सब्जी भी आती है साथ में, आजकल यही चल रही है, ब्रोकली और खीरा नींबू यही चल रहा है। ये सब कर लिया शॉपिंग और ये सब कर लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ले लिया, नमकीन बिस्किट ले लिए, और इसमें क्या ले लिया, इसमें भी ले लिए, बहुत सारी चीज़ें हमने ली है। और क्या क्या दिखाऊँ आपको अभी, मतलब मैं दिखाऊँगी ना आपको, बहुत टाइम लगेगा, शॉपिंग बहुत सारी है इसमें। अभी थोड़ी एक दो पैकेट अंदर रख दिए हैं, हस्बैंड ने अंदर ले गए हैं एक दो पैकेट, और ब्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ, मेरे को खाना भी बनाना होता है, आपको पता ही है कितने सारे काम होते हैं लेडीज़ के पास, है ना। अभी खाना बनाना है, अकेली जान हूँ मैं घर में काम करने वाली, रोटी सब्जी पानी सभी देखना है, धूप बत्ती करनी है, बहुत काम है। तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं पर कर देती हूँ, आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले दिन एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, जब तक गुड नाइट।